6 इंच के पीवीसी पाइप में 5 पौधे और हर पौधे पर 10 से 12 बैंगन, भिंडी, टमाटर और बाकी सब्जियां। यानी कि कम जगह में छत पर उगाई जा रही हैं इतनी सारी सब्जियां, वो भी पीवीसी पाइप में। और इनको उगा रहा है दिल्ली का ये कपल, जो पिछले 2 सालों से बागवानी कर रहा है। तो वैरायटी की देखिए बात आई तो बैंगन में लगभग सभी वैरायटीज के आपको मिलेंगे। वैरायटी के साथ हम लोग प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और आप काउंटिंग करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। बाकी सब में आप देखेंगे फ्रूटिंग हो रही है। मिर्च में इस बार काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद अच्छा फ्रूटिंग आप देखेंगे हो रही है। और नीचे बैंगन है, सब में आपको मिल जाएंगे, सारे भरे हुए हैं और लगभग सब में फ्रूटिंग हो रही है। इतना इजी एक्सपीरियंस होता है, मैं आप लोगों को बताऊं कि बच्चों को जाना है क्या बनाएं क्या बनाएं, सुबह टिफिन तो आए, अच्छा जाओ भिंडी लेके आओ, तो ऊपर से गए 10-15 भिंडी हार्वेस्ट करके ले गए बच्चे और उनके लिए टिफिन तैयार हो गई भिंडी की। उसके अलावा मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, अच्छा टमाटर तो दिख नहीं रहा है फ्रिज में, चल ले जाओ ऊपर देख के आओ, चटनी खाने का मन किया ऊपर से चलो पुदीना तोड़ के लेके आओ। तो जब तक आदमी स्वयं गार्डनिंग नहीं करेगा तो अपने कंज्यूम के लिए, क्योंकि अपने लिए तो जहर डालेगा नहीं, तो दूसरे के लिए अगर कहीं से बाहर से कंज्यूम करता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़े बहुत समय तक तो आदमी मेंटेन करता है क्वालिटी, फिर बाद में वही पैक करके वही चीज़ें पुरानी आपको दे देंगे। रोज़ आप लेके नहीं बैठोगे पैरामीटर की, आप उसको मेज़र कर रहे हो, रोज़ चीज़ें आप बाहर से जो ऑर्डर कर रहे हो। तो ऑर्गेनिक उगाना है तो खुद ही गार्डनिंग करनी पड़ेगी, स्वर्ग पाने के लिए खुद ही मरना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मिथिलेश और विंध्यवासिनी जी ने पीवीसी पाइप में सब्जियां उगाना शुरू की और कैसे वो इसमें सक्सेसफुल रहे। इस वीडियो में आपको ये कपल बताएगा कि कौन कौन सी किस्म की सब्जियां वो पीवीसी पाइप में उगा रहे हैं और कितनी पैदावार ले रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप देखेंगे कि कुछ भिंडी में प्रोडक्शन हो रहा है और कुछ अभी रेडी हो रहे हैं, तो साथ ये ख़त्म नहीं होगा सिलसिला, ये जब ख़त्म होगा पौधा, इसकी फ्रूटिंग, इसकी एज ख़त्म होगी तो ये रेडी हो जाएगा फ्रूटिंग के लिए। तो ये पाइप में हमने भिंडी लगा रखी है और ये बैंगन का छोटा सैपलिंग है, ये पौधा भी अब डेवलप हो रहा है, इसके साथ ही आप देखेंगे इसमें प्रोडक्शन चालू है। तो ये बैंगन, भिंडी और नीचे देखेंगे तो हमने इसमें एक बीन्स का भी ट्राई किया है पाइप में। इससे पहले हम ग्रो बैग में बीन्स वगैरह लगाते थे, बट इस बार पीवीसी पाइप में लगा के हमने ट्राई किया है। मेनली आप देखेंगे तो बैंगन, भिंडी और बीन्स ही मैक्सिमम मिलेंगे। और ये देखिए टमाटर की नई सैपलिंग्स हमने लगानी शुरू कर दी है, तो इनमें छोटे छोटे अभी ये नए हैं, 3-4 दिन पहले हमने इनको रिपोर्टिंग की थी, तो अभी तो ये खैर नए पौधे हैं। बाकी सब में आप देखेंगे फ्रूटिंग हो रही है। मिर्च में इस बार काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद अच्छा फ्रूटिंग आप देखेंगे हो रही है। और नीचे बैंगन है, सब में आपको मिल जाएंगे, सारे भरे हुए हैं और लगभग सब में फ्रूटिंग हो रही है। ये बीन्स का ग्रो बैग में हमने लगाया था, पाइप में भी सक्सेसफुली ये हो जाता है, बट ये कई सारा नहीं लगा सकते, आप नीचे एक लगा सकते हैं, इसे सपोर्ट देना पड़ेगा। बाकी जब ये तने वाले पौधे आप लगाते हैं तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, साइड से निकल जाते हैं, तो इनको ग्रो करना ईजी है पाइप में। बाकी हमने लगाया, अब ये देखिए बीन्स के इस पूरे पाइप में ही हमने बीन्स का एक्सपेरिमेंट किया है, देखेंगे इस बार ये कैसे, हम इसको क्रीपर नेट पे लगा के इसका एक बार ट्रायल करने के लिए लगाया है। और इन सब में भिंडी, बैंगन देखने को मिलेगा और कुछ कुछ नए पाइप्स में आपको मैं दिखाऊंगी। टमाटर की सैपलिंग्स हमने लगा दिए हैं और लगेंगे इसको 45 डेज के आसपास ये फ्रूटिंग इसमें चालू हो जाएगी। ये नींबू का पौधा लाए थे हम नर्सरी में, लगभग 1.5 साल हो गए होंगे, है ना, एक साल के आसपास। तो ये ज़बरदस्त फ्रूटिंग देता है, ये दोनों पौधे, दो नींबू लाए थे हमने, ये दोनों पौधे हमें हमारी फैमिली लाइक फुलफिल नींबू इसमें से हमें मिल जाता है। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि इसका ना ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है, हाइट भी हम देख पा रहे हैं, तो ये क्या लंबे समय तक चल पाएगा इस पाइप में? एक्चुअली कभी कभी रूट बॉन्डिंग हो जाती है, तो उसके लिए हमें 1.5-2 साल पे इसे निकाल कर इसकी रूट को कट करके वापस से रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और ये बढ़ जरूर गया है, बट इसको जब हम इसका सीजन ख़त्म होगा तो इसकी ब्रांचेज जो लंबी हो गई हैं उन्हें कट कर देंगे, फिर ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसकी नई नई टहनियाँ निकलेंगी और ये यहीं पे घना होगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना इसको बढ़ने देते हो और जितना चाहोगे छोटा कर सकते हो। इसमें देखिए कुछ फ्लावर्स हमने लगा का, ये पॉलिनेटर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है मैरीगोल्ड, तो ये इस बार पीवीसी पाइप में हमने लगा रखी है। अभी इसमें गर्मी है, फ्रूटिंग तो नहीं हो रही है, फ्लावरिंग तो ये चलेगा। बाकी तो बैंगन आपको हर पाइप में देखने को मिलेगा,
और ये देखिए टमाटर का, इसमें सब में अभी टमाटर लग चुके हैं और जो खाली पाइप हैं उनमें भी ये मिर्च की सैपलिंग्स तैयार हैं। थोड़ी और बड़ी होंगी तो इनकी भी रिपॉटिंग कर दी जाएगी। और ये मेरे हस्बैंड का ये इनोवेटिव आइडिया था, मिल्क क्रेट ले आए थे ये दूध की दुकानों से और इसमें हम साग उगाते हैं। अब इसकी मिट्टी आप देखेंगी फुली रेडी है, खाद वगैरह वर्मी कंपोस्ट मिट्टी और राइस हस्क मिलाकर ये पूरा रेडी है, बस बीज लगाने हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिलता है हमें साग का इन सारे क्रेट में। साग हो गया, उसके अलावा सीडलिंग हो गया, पहले सीडलिंग भी करते थे बट अब ज़्यादा मात्रा में सीडलिंग नहीं करते हैं, छोटे छोटे पॉट में थोड़ा थोड़ा लगातार निकालते रहते हैं सीडलिंग। तो ये होगा और ये बहुत पुराने गमले हैं हमारे, जब शुरू शुरू में हम फ्लावर वगैरह लगाते थे छत पे तब के गमले हैं, तो इन्हें फेंका नहीं है, इनमें भी भिंडी लगा के प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। बाकी आप देखेंगे तो सारे पाइप में आपको ऑलमोस्ट फ्रूटिंग वाले पौधे मिल जाएंगे। 90% फ्रूटिंग वाले पौधों पे ही हमारा जोर रहा है और कई सारी एक्सपेरिमेंट्स भी हमने किए हैं। जैसे गमले में आप देखेंगी तो इस सभी गमलों में हमने पुदीना लगा रखा है और इसका रीज़न ये है कि जब आप एक जगह लगाते हैं कोई भी चीज़ और संयोग बस वो कंज्यूम हो गई या सूख गई, फिर क्या होगा कि वो आपका सिलसिला टूट जाता है, क्रम टूट जाता है। तो जहाँ जहाँ जगह भिंडी है ऊपर की तरफ चली आई, नीचे हमने पुदीना लगा दिया, तो कई सारे पौधों में आपको दिखेंगे। तो ये है कि कहीं अगर उसका सिलसिला टूट भी रहा है तो फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। तो फ्रूटिंग का ऑलमोस्ट हमारा जोर रहता है, लगभग लगभग जितने भी हम लोग कोशिश करते हैं, कहते मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा क्यों ना ऑर्गेनिक की तरफ भी हमारा जोर जाए एक तरफ। और ये पॉलिनेटर्स आप देख रहे होंगे, ये नेचुरली हम चावल का पानी फर्मेटेड करके बहुत केमिकल ना के बराबर ही जो ऑलरेडी आ रहे हैं खाद वगैरह बीज वगैरह में उन्हीं के साथ आ रहे हैं, हम अपने यहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं। किचन से ही नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करके कंट्रोल करके रखा है हमने। ये एक और बात है, अब चूंकि इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारे गार्डनर से बहुत सारी जगहों पे मुलाकात होती है, तो ऑर्गेनिक आजकल बहुत सारा एक फैशनेबल चला हुआ है कि ऑर्गेनिक हम सब्जियां कंज्यूम करते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियों के नाम पे ही वो आज़ादपुर मंडी की सब्जियां ही बेची जाती हैं ऑलमोस्ट लगभग लगभग। ये हकीकत ये है कि थोड़ा सा पॉलिश करके, तो जब तक आदमी स्वयं गार्डनिंग नहीं करेगा तो अपने कंज्यूम के लिए, क्योंकि अपने लिए तो जहर डालेगा नहीं तो दूसरे के लिए अगर कहीं से बाहर से कंज्यूम करता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़े बहुत समय तक तो आदमी मेंटेन करता है क्वालिटी, फिर बाद में वही पैक करके वही चीज़ें पुरानी आपको दे देंगे। तो जो लोग 300 रुपये 400 रुपये किलो ऑर्गेनिक सब्जियां कुछ खरीदते भी हैं वो भी मान के चलें कि वो आज़ादपुर मंडी की ही सब्जियां हैं ऑलमोस्ट, कोई क्वालिटी मेंटेन रोज़ आप ले के नहीं बैठोगे पैरामीटर की आप उसको मेज़र कर रहे हो, रोज़ चीज़ें आप बाहर से जो ऑर्डर कर रहे हो। तो ऑर्गेनिक उगाना है तो खुद ही गार्डनिंग करनी पड़ेगी, स्वर्ग पाने के लिए खुद ही मरना पड़ेगा क्योंकि आप तो नहीं डालोगे अपने बच्चों के लिए अपने लिए कम से कम। जो लोग जब आप ऑर्गेनिक खरीदना और ऑर्गेनिक खाना, जब आप खाओगे ऑर्गेनिक तब आपको अंतर समझ में आएगा। बालकनी में भी ये पाइप रखे जा सकते हैं और ये डेवलप भी इसीलिए हुआ था, धूप चाहिए चूंकि पौधों को, तो अगर बालकनी में धूप आती है 2-3 पौधे भी आपने खड़े कर रखे, सपोज कीजिए कि बहुत सारा नहीं उगा सकते, मिर्ची उगा रहे हैं टमाटर ही उगा रहे हैं और किचन में जो लोग काम, अब क्या होता है इतना इजी एक्सपीरियंस होता है, मैं आप लोगों को बताऊं कि बच्चों को जाना है क्या बनाएं सुबह टिफिन, तो आए अच्छा जाओ भिंडी लेके आओ, तो ऊपर से गए 10-15 भिंडी हार्वेस्ट करके ले गए बच्चे और उनके लिए टिफिन तैयार हो गई भिंडी की, उसके अलावा मिर्च हो गया टमाटर हो गया, अच्छा टमाटर तो दिख नहीं रहा है फ्रिज में, अच्छा ले जाओ ऊपर दे के आओ, चटनी खाने का मन किया है ऊपर से चलो पुदीना तोड़ के लेके आओ। मैं एक चीज़ इनकी, इनको मेरे हस्बैंड को चटनी इतनी पसंद है, कभी भी मार्केट से आएंगे धनिया पुदीना पहले लाते थे, अब एकदम से कभी आप टाइम है नहीं है तो छूट गया बनाना, अगले दिन फ्रिज में वो पत्तियां मुरझा गईं तो बड़ा अफसोस सा लगता था। अब क्या है खाना सारा बन गया है अभी चटनी खानी है, फटाफट पुदीना छत से ले आए, तो जब आप उसको फील करने लग जाते हो ना तो खुद उसकी कद्र समझ में आती है कि आपने क्या उगाया है। धनिया हो गया, सोया हो गया, और एक बात छूट गई थी वो भी बताना बहुत ज़रूरी है कि हमें लगता था कि नहीं ठीक है हम अपने छत से सब्जियां ले जाते हैं तो ज़्यादा स्वादिष्ट है तो हम बायस हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नेबर्स भी ले जाते हैं और उन वो भी जो बनाते हैं तो मार्केट की सब्जियों से जो उनका भी एक्सपीरियंस है वो बड़ा अलग होता है, वो कहते हैं कि इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये चीज़ें हैं मेनली, उसके अलावा कुछ और भी मैं आपको आगे दिखाऊँ तो सभी में आपको प्रोडक्शन मिलेगा, एक भी ऐसा नहीं दिखेगा
लेमन ग्रासेस वगैरह के, देखिए धनिया अभी चूंकि बहुत ज्यादा हमने वो क्रेट में मिल क्रेट में लगा रखा है आगे, लेकिन बारिश की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से धनिया के प्रोडक्शन अभी इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन ये धनिया पूरा क्रेट भर जाता है। उसके अलावा लेमन ग्रास में गिफ्टिंग के लिए हमने बहुत बढ़िया ये कर रखा है कि छोटा 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 लेमन ग्रास हमने लगा रखा है, तो अगर कोई भी आता है गेस्ट तो ये मुश्किल से 10 रुपए का पॉट है, तो आपको इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ती है और किसी के लिए वो एक शुरुआत हो जाती है। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया कि गार्डन में कोई भी विजिट करता है तो चलो, तो ये पूरा हमने गिफ्टिंग के लिए तैयार कर रखा है। वेरायटी की देखिए बात आई तो बैंगन में लगभग सभी वेराइटीज़ के आपको मिलेंगे, वेराइटी के साथ हम लोग प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और आप काउंटिंग करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि जो ग्रो बैग है ग्रो बैग के कंपैरिजन में, अब ये सब बड़ी बड़ी फ्रूटिंग होगी, हेल्दी फ्रूटिंग होगी, तो बीच बीच में क्या होता है कि पौधों का एक पीरियड होता है, उसमें एक बार फ्रूटिंग आई, फ्रूटिंग के बाद आप उसको तोड़ोगे कुछ समय बाद फिर हाँ थोड़ा ब्रेक लेते हैं पौधे भी, तो इस तरीके से ये चीजें करते हैं। और इधर चूंकि कैमरा आया ही हुआ है तो राउंड शेप वाले आपका क्वेश्चन का आंसर राउंड शेप वाले देखिए हम लोगों ने राउंड शेप वाले क्वेश्चन हम लोग किया था, तो क्या होता है कि इसमें एक हमने रख रखा है कि यादें रहेंगी इसके और तो बाकी हटाएंगे हम, तो बहुत सारे पाइप खराब हुए, तो राउंड शेप की बजाय आप लोग जो अभी दूसरे पाइप्स हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, अब देखिए इसका होल हो गया, अब इसमें मिट्टी रुकेगी नहीं, पानी रुकेगा नहीं बिल्कुल, तो यहाँ समस्या आती है। हालांकि कई सारे गार्डनर्स ने उगा रखा है लेकिन वो कस्टमाइज है और कस्टमाइज सोल्यूशन सबके लिए नहीं होता है, जब तो जनरली क्या है अब इसका, अब यहाँ देखिए कि इसमें पानी भी इजीली आ जाएगा, कोई भी चीज़ मिट्टी भी नीचे की तरफ नहीं गिरेगी और न्यूट्रिशंस देना चाहें आप तो लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें ईजिली स्टे कर जाएगा, नीचे की तरफ नहीं गिरेगा वो, ठीक है ऊपर की साइड में तो है ही है। तो प्रोडक्शन ये है, तो जिन भी चीज़ों को हम लोग लेते हैं मोस्टली तो लगभग इसमें कंज्यूम हो सकती है, उगा सकते हैं हम लोग इजीली। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर की छत पर बालकनी में जहां थोड़ी सी धूप आती हो वहां पीवीसी पाइप लगाकर अपने घर के लिए सब्जियां उगा सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सब्जियां उगाने के लिए पीवीसी पाइप और मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, तो जुड़े रहिए यूनिक फार्मिंग से और वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करना ना भूलें।